चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में चुनाव प्रचार करने पहुंची भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने अपने कामों का जमकर बखान किया। वहीं दूसरी तरफ रैली के दौरान मंच पर मौजूद सतपाल सांगवान ने समर्थकों की भीड़ देख ये तक कह डाला कि चुनाव में श्रुति की जीत पक्की है। 16वीं लोकसभा के चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने रैली कर चुनावी प्रचार किया और अपनी जीत का दावा करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के विकास का लोगों से भी वादा किया। बिल्कुल, दादरी घर है मेरा और हर तरीके से जहाँ जहाँ आवाज अपने इलाके के लिए लगानी है, उठानी है, हमेशा उठाई भी है, हर फोरम में और आगे भी लगे रहे। रैली को कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी संबोधित किया। खासी भीड़ को देखकर रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के सहकारिता एवं आवास मंत्री सतपाल सांगवान ने कहा कि रैली में उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह है कि लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगी। जितना जन स्लैब इस रैली में है ये 25 से 30 हज़ार से कम आदमी में थे। ये साबित होता है कि बगैर के सिर्फ मैसेज था कि आज रैली होगी, मैसेज के बगैर कुछ नहीं था। सब अपनी गाड़ियां अपने सिस्टम से 11:30, 10:30 बजे आके बैठे थे और इन लोगों ने एक दिमाग बना रखा है कि हम श्रुति चौधरी को एक तरफा दिखाएंगे। जाहिर है प्रदेश में 10 अप्रैल को आम चुनाव होने हैं और हर पार्टी जनता का समर्थन हासिल करने के लिए लोगों को रिझाने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन इस चुनावी महासमर का विजेता कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चरखी दादरी से देवेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।